हेलो गाइस, विक माई टूर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में गुजरात में जो काम चल रहा है इसके अपडेट के बारे में बताऊंगा आज कि कहां पे क्या चल रहा है। और आज मैं अभी आया हूं स्टार्टिंग चैनेज पे और यहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां पे PQC लेइंग हो चुका है। PQC है वो रोड टॉप लेवल है। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहां कहां PQC हो गया है और कहां कहां बाकी है। हेलो गाइस, सामने जो एक बेड दिख रहा है GSB का, वो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए कि जहाँ पे PQC जहाँ से हो चुका है वहाँ से पैकेज 1 है। तो आज पैकेज 1 की बात करेंगे और पैकेज 1 में कहाँ कहाँ पे PQC हो चुकी है उसकी डिटेल्स बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों सामने आपको एक अर्थवर्क का एक बेड दिख रहा होगा, मिट्टी का एक बेड है। वो बेड एक्चुअली इसीलिए रुका हुआ है कि सामने आपको हाईटेंशन लाइन दिख रही होगी तो उसकी वजह से ये काम रुका हुआ था। लेकिन अभी हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे ही वो शिफ्ट हो जाएगी ये इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आरीवल का काम अभी जारी है यहाँ पे। और सामने आप देख रहे हैं कि एक फ्लाईओवर का काम जारी है, बहुत सारे पियर हो चुके हैं और इसके दोनों साइड में अभी आरीवल का काम बाकी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में, एक साइड में यानी शोल्डर की साइड में PQC हो चुका है और सेंटर साइड में अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी A2 साइड में आरी पैनल इरेक्शन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आगे हाईटेंशन लाइन जा रही है इसकी वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है। और यहाँ पे भी अभी हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का काम जारी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में फुल विड्थ में PQC हो चुका है। PQC है वो रोड टॉप लेवल है जिसके ऊपर ट्रैफिक चलेगा। और देखिए दोस्तों, ये मीडियन ओपनिंग है और ये इमरजेंसी मीडियन ओपनिंग है, ये इमरजेंसी के टाइम पे ही इसका उपयोग किया जाएगा।
और इसमें जो अभी आपको खाली जगह दिख रही है उसमें PQC हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे भी आपको दूर दूर तक PQC दिख रही है। और देखिए यहाँ पे शोल्डर ड्रेन और टू ड्रेन का काम भी बहुत स्पीड से चल रहा है, यानी बारिश का जो पानी रोड के ऊपर गिरेगा वो शोल्डर ड्रेन में होते हुए यहाँ से नीचे आएगा टू ड्रेन में। और आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में फुल विड्थ में PQC हो चुका है, सोलर ड्रेन भी हो चुकी है और टू ड्रेन भी बड़ी स्पीड से इसका काम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइनल ग्रू कटिंग का काम अभी जारी है यहाँ पे। भारतमाला परियोजना का ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दो पार्ट में बटा हुआ है, दिल्ली से वडोदरा और वडोदरा से मुंबई। तो वडोदरा से मुंबई का ये पैकेज वन है। और देखिए यहाँ पे भी ग्रू कटिंग का काम जारी है, और वो राइट साइड थी और ये लेफ्ट साइड है। और यहाँ पे एक माइनर ब्रिज है और एक बॉक्स कलवट है, ये दोनों के बीच में अभी आरीवल का काम जारी है, यहाँ पे अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है। और स्ट्रक्चर का काम भी फुल स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनने जा रहा है यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर का अपलोड करूँगा। और 1.2 किलोमीटर लंबा जो ब्रिज बनने जा रहा है उसकी A2 साइड है ये, और यहाँ पे अभी दोनों साइड में फुल विड्थ में DLC हो चुका है, और इसका क्यूरिंग पीरियड होने के बाद यहाँ पे PQC भी हो जाएगा। A2 साइड में आरी वॉल के लिए दोनों साइड में एक्सकेवेशन हो चुका है। और यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स कलवट है, और बॉक्स कलवट के दोनों साइड में अभी आरीवल का काम जारी है, और बॉक्स कलवट के उस साइड में भी PQC हो चुका है आरीवल को छोड़ के, और इस साइड में भी आरीवल को छोड़ के
पीक्यूसी हो चुका है, तो चलिए पीक्यूसी के पास चलते हैं, दिखाते हैं आप। तो देखिए आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में फुल विड्थ में पीक्यूसी हो चुका है, शोल्डर ड्रेन भी हो चुकी है, साइड स्लॉब प्रोटेक्शन भी हो चुका है और टू ड्रेन का काम अभी बाकी है यहाँ पे। और ये व्हीकल अंडरपास है, वीयूपी है और इसकी दोनों साइड में अभी आरीवल का काम बाक़ी है, बाकी आरीवल का पोर्शन छोड़ के दोनों साइड में पीक्यूसी हो चुका है। और अभी हम आ पहुँचे हैं मिनी रिवर के पास और यहाँ पे एक ब्रिज बनने जा रहा है और ब्रिज वाला पोर्शन छोड़ के दोनों साइड में पीक्यूसी हो चुका है। तो देखिए ये A2 साइड है और यहाँ पे दोनों साइड में फुल विड्थ में पीक्यूसी हो चुका है। पीक्यूसी है वो रोड टॉप लेवल है जिसके ऊपर ट्रैफिक चलेगा। और देखिए यहाँ पर भी दोनों साइड में फुल विड्थ में पीक्यूसी हो चुका है और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि सामने ग्रो कटिंग का काम जारी है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे पीक्यूसी हो चुका है। और अभी हम एलाइनमेंट के बाहर की साइड पे चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दोनों साइड में फुल विड्थ में पीक्यूसी हो चुका है
और यहाँ पे कर्ब का काम अभी बाकी है। और यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर बन रहा है और इसके दोनों साइड में आरिवल का काम अभी जारी है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।